देखिए ये जो विमान है ये वंदे भारत मिशन पर ही था, ये भी आप समझ लीजिए। ये जानकारी मैं आपको पहले दे रही हूँ, सबसे पहले जानकारी पहुंचा रही हूँ। बहुत बड़ा हादसा, लेकिन ये वंदे भारत मिशन पर था ये विमान। ये 5 तस्वीरें आपको जो टीवी स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, दुबई से विमान रनवे पर पहुंचा था, कैसे वहां पायलट की मौत हुई, पांच जानकारी इस 5 तस्वीरों में दिख रही है। पहली जो बीच वाली तस्वीर दिख रहे हैं, उस बड़े हादसे की तस्वीर लगातार लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। दूसरी तरफ पायलट की मौत की सबसे दुखद खबर इसमें सामने आई। इस विमान में 180 से 190 यात्री सवार थे, जिनकी जान संकट में है। कई बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने की खबर पुलिस दे रही है, 35 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है, लेकिन प्रारंभिक सूत्रों के अनुसार आ रही है, अभी स्पष्ट तौर पर नहीं है। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है, क्योंकि इसके निर्देश खुद मुख्यमंत्री की तरफ से दिए जा चुके हैं। पुलिस, दमकल, तमाम लोग रेस्क्यू में लगे हुए हैं। जो एयरपोर्ट की अथॉरिटीज होंगी वो भी इसी काम में, क्योंकि इस वक्त प्रायोरिटी सबसे ज्यादा सबसे महत्वपूर्ण ही है। मैं चाहूंगी कि लगातार आपको बड़ी स्क्रीन पे, लगातार बड़ी स्क्रीन पर आपको हेल्पलाइन नंबर्स दिखा पाऊं, लगातार बड़ी स्क्रीन पे आपको हेल्पलाइन नंबर दिखा पाऊं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण अभी यही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द से जल्द वहां पर शुरू हो। और कोझिकोड के पुलिस ऑफिसर है हमारे साथ, एजी जॉर्ज हमारे साथ बने हुए। जॉर्ज साहब, क्या वहां पर अपडेट है, क्या स्थिति बनी हुई है? Yeah. I am a police city commissioner and for Kozhikode city. Actually, it is said that nearly 38 people are seriously injured and admitted in the various hospitals in Kozhikode city. The rescue operation is going on, and all the corner of offices and the men are available there. They are picking and in various ambulances, and they are taking the hospitals. So 2 death cases are reported, including 1 pilot is said to be died incident. बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जॉर्ज साहब। देखिए 88 लोगों के घायल होने की खबर बता रहे हैं, जो प्रारंभिक जानकारी है। सबसे पहले ब्रेक कर रही हूं, 88 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है, जो खुद एजी जॉर्ज, जो वहां के पुलिसकर्मी जो वहां पर मौजूद थे वो बता रहे हैं, उनके पास जो जानकारी आई। सबसे पहले रेस्क्यू के लिए लोग लगे हुए हैं, लगातार वहां घायल जो लोग हैं उनको पहुंचाने के लिए, उनको अस्पताल पहुंचाने की तैयारी चल रही है। दमकल विभाग वहां मौजूद है। किसी के हताहत नहीं होने की खबर के पीछे ये महत्वपूर्ण है कि कितने लोगों की मौत वहां हो चुकी है, 3 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें पायलट भी हैं। बहुत दुखद हादसा है, लेकिन इस वक्त महत्वपूर्ण यह है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जबरदस्त तरीके से चले, जो वहां लोग घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए, जो एम्बुलेंसेस हैं वो वहां पे पहुंचाई जा रही है, क्योंकि जैसी जानकारी आ रही है 35 लोगों के नहीं 88 लोगों के घायल होने की खबर पुलिस जानकारी दे रही है। 88 लोग ऐसे हैं जिनमें घायल होने की खबर है, जिनको एम्बुलेंस से लगातार अस्पताल पहुंचाने की तैयारी हो रही है। मौके पर राहत बचाव का कार्य अभी भी जारी है। जो लगातार 5 तस्वीरें दिखा रही हूं, बीच की जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो इस बड़े हादसे से जुड़ी सीधी तस्वीर है। और कैसे अफरा तफरी है, क्योंकि बारिश हो रही थी लैंडिंग के वक्त, बारिश की वजह से विजिबिलिटी कम थी, यह हादसा हुआ। ब्लैक बॉक्स की जानकारी एग्जैक्ट सामने आने के पहले कुछ भी स्पष्ट तौर पे कहा नहीं जा सकता कि प्रॉब्लम कहां हुई होगी। कोई टेक्निकल फॉल्ट था, लैंडिंग सिर्फ स्मूथ हो गई, इस वजह से यह हादसा हुआ, अभी तक स्पष्ट तौर पे नहीं कह पाएंगे, क्योंकि इंक्वायरी डीजीसीए ने बता दी है। डीजीसीए अब कह रहा है कि जांच होगी और जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन हादसे में 88 लोगों के घायल होने की खबर पुलिस ने पुख्ता तौर पर दी है, जो वहां मौजूद है, जिनके पास ये सबसे पहले जानकारी गई, जिन्होंने लगातार अस्पताल पहुंचाने की तैयारी शुरू कर दी है उन घायलों को। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। और विमान को देख लीजिए, शाम 7:41 पर यह हादसा हुआ है। दुबई से लौट रहा था, अरब सागर से होता हुआ, ये उस इलाके में पड़ता है कोझिकोड। वापस बता रही हूँ, केरल का कोझिकोड, कैलिकट जिसे कहा जा रहा है, वो अरब सागर के दक्षिण पश्चिम इलाके पर मौजूद है। यहां से करीब 3 से 4 घंटे का रास्ता है वायनाड, जिसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा। कोझिकोड का नाम बहुत बार सुना होगा क्योंकि पर्यटन स्थल है, बहुत लोग कई सालों पूरे साल यहाँ घूमने जाते हैं, बहुत शानदार यहाँ का मौसम रहता है पर्यटन के तौर पर। लेकिन इस तरह के हादसे की खबर किसी को भी दहला सकती है, इस तरह के हादसे की खबर किसी को भी झकझोर सकती है। 88 लोगों के घायल होने की खबर इस हादसे में पुलिस ऑफिसर ने हमें दी है, वहां के जो पुलिस ऑफिसर जॉर्ज हैं उन्होंने पुख्ता तौर पर बताई है। हेल्पलाइन नंबर को चाहूंगी कि लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर
और ये वो बच्चे हैं, देखिए बहुत प्यारी तस्वीर आपके सामने आई है, छोटे छोटे मासूम बच्चे जो विमान में सवार थे, जिनको रेस्क्यू कर लिया गया है, जो एकदम सुरक्षित बताए जा रहे हैं। जी हिंदुस्तान पर ये तस्वीर देख लीजिए, इस विमान हादसे में, इस विमान में मौजूद वो बच्चे जो सुरक्षित रेस्क्यू कर लिए गए हैं, अस्पताल पहुंचा दिए गए हैं, और इन बच्चों को, बच्चों की तस्वीर आ रही है। देखिए कोई भी नहीं चाहता कि इस तरह का देश में कोई हादसा हो। इस वक्त जो हादसा हुआ है वो बेहद दुखद है। केरल के जो मुख्यमंत्री हैं विजयन, वो जांच के आदेश दे चुके हैं, और कई बयान भी उनका जो सामने आया उसमें उन्होंने संवेदना भी व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले रेस्क्यू पर ध्यान दिया जाए। इसके साथ साथ गृहमंत्री संवेदना जता चुके हैं, उन्होंने कहा है कि एनडीआरएफ की टीम जल्द से जल्द एनडीआरएफ की टीम वहां के लिए निकल जाए। दो तस्वीरें दिखा रही हूं टीवी पर, केरल में सबसे बड़े हादसे की पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो इस लाइव तस्वीर है, वहां की अफरा तफरी को दिखा रही है। बारिश होता हुआ वो रनवे दिख रहा है जहां पर यह हादसा हुआ है, और दूसरी तस्वीर जो दिख रही है उन छोटे बच्चों की जो इस यात्रा में सवार थे, मासूम छोटे बच्चे मास्क लगाए हुए बैठे हैं। बहुत ही वाकई, मतलब ये कई बार दिल को झकझोर देता है ऐसी ऐसी चीजें, लेकिन इन बच्चों को आप देख लीजिए, इन्हें रेस्क्यू कर लिया गया और उम्मीद यही की जा रही, क्योंकि जो प्रशासन है वहां का वो अलर्ट मोड पर है, जो वहां की सरकार है वो अलर्ट मोड पर है। डीजीसीए ने जांच के आदेश दे दिए, स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता कि आखिर हुआ क्या होगा। हो सकता है कोई टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है लैंडिंग के वक्त वहां पर जो टचडाउन हुआ, जैसा बख्शी साहब हमें बता रहे थे, जो टचडाउन हुआ वो इतना जबरदस्त तरीके से, जो स्मूथ टचडाउन की वजह से स्किड किया रनवे पे विमान, और फर्म टचडाउन होना चाहिए था जो शायद नहीं हुआ होगा। आग इस विमान में नहीं लगी है, बहुत बुरी तरह से दो टुकड़ों में बट गया। अक्षय मेरे साथ लगातार बने हुए हैं इस वक्त, अक्षय स्टूडियो से मेरे साथ जुड़ रहे हैं कुछ और तस्वीरों को दिखाने के लिए। अक्षय क्या तस्वीरें आपके पास? बिल्कुल माधुरी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को वो अपडेट दे देते हैं, ये तो तस्वीरें हैं, ये अपने आप में बता रही हैं कि यह हादसा कितना भयावह रहा होगा। लेकिन इस विमान में 174 अडल्ट थे यानी वयस्क सवार थे, जबकि 10 इन्फेंट्स यानी कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे थे। अब देखिए कि दुबई से जब इस विमान ने उड़ान भरी थी तो इस विमान में सवार 191 लोगों ने यही समझा था कि अपने घर सुरक्षित जाएंगे। जिस कोरोना काल में लोग इंतजार कर रहे हैं अपने वतन वापस लौटने की, उस समय एक अरमान था, एक उम्मीद थी ये विमान, जो IX1344 बताया जा रहा है, जिसने जब उड़ान भरी तो सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन ये वो इलाका है कोझिकोड केरल का, जहां पर लगातार मौसम बेरुखी दिखा रहा है और लगातार बारिश की वजह से, अभी भी मैं आपको बता दूं, ताजा अपडेट ये आया है कि मौसम विभाग की तरफ से अभी भी कोझिकोड और आसपास के इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी यहां पर जो बारिश है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। यानी अब जो राहत और बचाव का काम भी चलाया जा रहा है वो इतनी आसानी से हो जाए इसकी गुंजाइश भी कम नजर आ रही है। अब समझिए कि टचडाउन जो बताया जा रहा है, अगर उसमें थोड़ी भी गलती हो जाती है तो विमान रनवे को क्रॉस कर सकता है, यानी रनवे के पार जा सकता है, और शायद आज भी कुछ वैसा ही हुआ हो। क्योंकि आपको याद दिलाना चाहूंगा 2010 का एक वाकया, जब मैंगलोर में इस तरीके का हादसा हुआ था और उस वक्त भी 150 से ज्यादा लोगों की जान गई थी, जब मैंगलोर एयरपोर्ट पर रनवे में टचडाउन पॉइंट को टच नहीं कर पाया था और विमान थोड़े आगे पर उसने टच डाउन किया था, जिसके बाद वो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और उसमें सवार तकरीबन 166 लोग सवार थे और 150 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। लेकिन अब जो आज अभी तक खबर सामने आई है उसमें 10 इन्फेंट्स हैं और ये सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं, जो अपने आप में राहत की बात है। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही हैं कि क्या स्थिति यहां पर सामान्य नहीं थी? अगर नहीं थी तो ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो है उसकी तरफ से क्या वो पहले से जानकारी क्यों नहीं, हाँ बिल्कुल, पहले से उसकी जानकारी क्यों नहीं जुटा पाई, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए फ्लाइट IX1344 कैसे यहां पर एनिमेशन के जरिए दिखा रही हूँ, कैलिकट एयरपोर्ट केरल के कोझिकोड का कैलिकट एयरपोर्ट दिखा रही हूँ, जहां कैसे ये विमान रनवे पर आया और उसके बाद फिसल गया, क्योंकि बारिश हो रही थी लैंडिंग के वक्त, यहाँ पर स्थिति खराब थी। केरल विमान हादसे में इस वक्त 88 लोगों के घायल होने की खबर, इस हादसे में पायलट समेत 2 लोग बताए जा रहे हैं, हालांकि इसमें अपडेट लगातार आ रहा है क्योंकि मरने वालों की जो संख्या है वो अब बढ़ भी रही है, 3 लोगों की बात की जा रही है। DGCA जो है वो हादसे की जांच के आदेश ऑलरेडी दे चुके हैं, इंक्वायरी में ही पता चलेगा। और मैं और अक्षय यही आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा हादसा पहले भी हुआ है, समझना ये होगा कि जो ATS है जिसके पास इसकी जानकारी पहले से होगी, क्योंकि अगर लैंडिंग हो रही थी और अगर बारिश हो रही थी तो थोड़ा बहुत कंट्रोलिंग सिस्टम जो होते हैं वो पहले से ध्यान रखते हैं कि कैसे कहां लैंडिंग होगी, किस तरह से विमान लैंड होगा। और लगातार अगर मौसम खराब है, क्योंकि जैसा ऑरेंज जोन है उसको अलर्ट जारी किया गया था क्योंकि बारिश लगातार यहां पर जबरदस्त तरीके से थी, इस बारिश की वजह से इतने लोगों की जान खतरे में नहीं पड़ सकती थी अगर पहले से थोड़ा ध्यान दिया गया होता। लेकिन कहां पर गलती हुई है एग्जैक्ट कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि
ब्लैक बॉक्स जब तक उसकी इंक्वायरी सामने नहीं आती, जब तक उसकी बात सामने नहीं आती, तब तक नहीं पता चलेगा। अनुमान लगाए जा रहे हैं अभी भी कि बारिश की वजह से ही ये फ्लाइट स्किड की फ्लाइट नंबर IX1344 ये विमान वंदे भारत मिशन पर था और वो क्रैश हुआ है। 3 लोगों की मौत की खबर है, 88 लोग घायल हुए हैं, ये जानकारी वहां के पुलिस ऑफिसर ने हमें दी है। मौके पर राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। DGCA जांच के आदेश दे चुका है। जो मुख्यमंत्री हैं वहां के विजयन, उन्होंने दमकल और पुलिस डिपार्टमेंट को ये आदेश दे दिए हैं कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन को किया जाए वहां पर। लेकिन देखिए अभी भी अगर बारिश हो रही है तो, जैसे अक्षय बता रहे थे, अगर बारिश हो रही है तो उस गति से रेस्क्यू ऑपरेशन का होना शायद बहुत मुश्किल होगा। वो जो गतिरोध है बारिश की वजह से हो सकता है बना रहे। रात का वक्त है, 7:41 पे यह हादसा हुआ था और उसके बाद लगातार जो रेस्क्यू हो रहा है वो अंधेरे में हो रहा है, तो इस वक्त थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। हालांकि विमान में आग नहीं लगी, 2 टुकड़ों में यह विमान टूट गया। हवाई अड्डे पर उतरने के दौरान फिसला और 2 टुकड़ों में बट गया।